नमस्ते, मैं हूं आपके साथ आकृति अवस्थी। 178 साल बाद सूर्य ग्रहण पर अद्भुत संयोग बन रहे हैं। 2023 के आखिरी सूर्य ग्रहण से कुछ राशियों की किस्मत बदलने वाली है। ये सूर्य ग्रहण किन जातकों के लिए है शुभ, किन राशियों के धारकों को इस सूर्य ग्रहण पर रहना है अलर्ट। 178 साल बाद सूर्य ग्रहण पर बने अद्भुत संयोग देश दुनिया पर क्या छाप छोड़ेंगे, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है फलादेश विशेषज्ञ शिप्रा सचदेव जी। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम गणपते नमः। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद आकृति स्वागत करने के लिए। शिप्रा जी, आप इसके बाद सारी डिटेल, सूर्य ग्रहण कब से कब तक है, कहाँ कहाँ है, किस तरीके का है, वो भी बता दीजिए। अश्विन महीने की अमावस्या के दिन यानी कि 14 अक्टूबर को ग्रहण पड़ रहा है, जो कि रात को 8:30 बजे से लेकर सुबह 2:20 बजे तक रहेगा। यह भारत में मान्य नहीं होगा और सूतक काले भी मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको आदि देशों में देखा जा सकता है। शिप्रा जी, सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के क्या प्रभाव होंगे? पितृ अमावस्या समाप्त हो चुकी होगी, क्योंकि जो भी हम पितृ अमावस्या करते हैं वो सुबह के वक्त करते हैं, सूर्यास्त के बाद वो नहीं किया जाता, इसलिए पितृ अमावस्या के उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जबकि इस ग्रहण पे कुछ शुभ संयोग बन रहे हैं। एक सूर्य बुधाचित योग बन रहा है, सूर्य बुध एक साथ है, शनि अपनी स्वगृही राशि में है और बुध भी अपनी स्वगृही राशि में है, तो इस ग्रहण के समय कई अच्छे संयोग बन रहे हैं। शिप्रा जी, सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि शुरू होगी, ज्योतिष शास्त्र के में इसका क्या महत्व है, वो भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। नवरात्रि का इस ग्रहण पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रहण के द्वारा जो भी नकारात्मक ऊर्जा इस धरती पे आई होगी, अगले दिन से नवरात्रि शुरू है, सभी लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाप चल रहा होता है, अखंड ज्योत जल रही होती है, इसलिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा इस ग्रहण के दौरान आएगी इस धरती पे, वह नवरात्रि में खत्म हो जाएगी। शिप्रा जी, किन राशियों के लिए सूर्य ग्रहण लाभदायक है? वैसे ग्रहण की धार्मिक मान्यता तो नकारात्मक ही मानी जाती है। कई राशियों के लिए काफी शुभ संयोग लेके आ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी शुभ में है, उनका रुका हुआ धन उनको मिलेगा और मानसिक पीड़ा का जो वो सामना कर रहे थे वो खत्म होगी। कर्क राशि के जातकों की सेहत में सुधार आएगा और बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सिंह राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण सबसे ज्यादा शुभमय रहेगा, उनका जो काम बहुत समय से रुका हुआ था वो शुरू होगा और घर में नई खरीदारी के योग दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि के जातक अपने सीनियर से अगर परेशान थे तो उसमें उनको रिलीफ आएगा और घर में नई खरीदारी आएगी और पैसे में बरकत आएगी। कुंभ राशि के जातक काफी समय से जो परेशानी का सामना कर रहे थे, नए बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसकी शुरुआत होगी। शिप्रा जी, और राशियों के जातकों को इस सूर्य ग्रहण पर क्या विशेष करने की आवश्यकता है? वृषभ राशि के जातक खीर का दान करें, कर्क राशि के जातक बताशे का या चावल का दान करें तो उनके लिए काफी शुभमय रहेगा। सिंह राशि के जातक बहती नदी में तांबे का सिक्का अगर बहाएंगे तो उनके लिए यह ग्रहण काफी शुभमय रहेगा। धनु राशि के जातक 9 लड्डुओं का दान करें ग्रहण के बाद तो उनके लिए काफी शुभमय रहेगा। और कुंभ राशि के जातक सरसों का तेल या पीली सरसों का दान करेंगे तो उनके लिए काफी शुभमय रहेगा। शिप्रा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा से जुड़े तमाम दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपके लिए हम ऐसी जानकारी वाली वीडियो लाते रहेंगे। नोएडा NCR की सभी बड़े खबरों के लिए हमारे न्यूज पोर्टल से भी जुड़िए। आप सभी का धन्यवाद।